नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं। व्हाट आर द मोस्ट एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया, यानी हिंदुस्तान से वो कौन से प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होते हैं, सबसे ज्यादा वैल्यू में एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये हम बात करेंगे, क्या उसमें प्रोडक्ट है, इंडिया का स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स क्या बोलता है कि हम उसको यूरोपियन मार्केट में कितना एक्सपोर्ट करते हैं, गल्फ मार्केट में कितना एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिकन मार्केट में कितना एक्सपोर्ट करते हैं, एशियन मार्केट में कितना एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया में टोटल कितने प्रोडक्ट हैं जो कि मोस्टली ट्रेड होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, या फिर वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि ट्रेड होते हैं, उनको हम वन बाय वन डिटेल में उनके वैल्यू और परसेंटेज वाइज हम उसको चेक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर टॉप इंपोर्टर्स की बात करें, यानी हमारे वो कौन से कस्टमर है, हमारा कौन से बायर है, वो कौन कौन सी कंट्री जो इंडिया से ज्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में इंपोर्ट करती है, तो सबसे पहले ये सब क्वेश्चन का आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है इंडिया एक्सपोर्ट स्टैटिक्स, यानी इंडिया का जो मार्केट एक्सपोर्ट मार्केट है उसका स्टैटिक्स क्या बोलता है। तो इंडिया इज एक्सपोर्टिंग अराउंड 49% टू दी एशियन मार्केट, यानी जितना भी एशिया की मार्केट है उसी में, यानी आसपास की जो कंट्री है, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, या वियतनाम हो गया, ये आसपास की जितनी भी कंट्री है उनमें ही इंडिया एक्सपोर्ट कर देता है अराउंड 49%। तो हम अराउंड 50% उसको बोल सकते हैं, तो 50% हम तो अपने ही कॉन्टिनेंट में बेच देते हैं अपना सामान, यानी एक्सपोर्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट में इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 20% ऑफ द टोटल इंडिया एक्सपोर्ट। अगर मैं बात करूं नॉर्थ अमेरिका में हम एक्सपोर्ट करते अराउंड 18% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। अगर मैं अफ्रीका की बात करूं, तो अफ्रीका हमें लगभग जो जैसे डेवलपिंग स्टेज में है, तो अफ्रीका में हम 8% करते हैं, यानी 8% ऑफ द टोटल कंट्री एक्सपोर्ट हम करते हैं अफ्रीका में। अगर मैं साउथ अमेरिका की बात करूं, तो साउथ अमेरिका में हम 3% करते हैं, 3% ऑफ द टोटल इंडिया एक्सपोर्ट। अगर मैं बात करूं ओशियन की, ओशिना जैसे भी ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, वो वाला एरिया जो हो गया, तो वो ओशिना में आता है। तो ओशिना को हम कर रहे हैं बचा कुचा 1.5% ऑफ द टोटल कंट्री एक्सपोर्ट। तो नॉर्मली हम एशियन कंट्री में ही, मेरा ये बताने का मतलब है कि एशियन कंट्री में हम लगभग 50% कर रहे हैं। तो अगर आप एशिया के, आप इंडिया के रहने वाले हैं और अपनी आसपास की कंट्री को आप ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको दूर जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, आप एशियन कंट्री में भी अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा प्राइस आपको जरूर कम मिलेगा, लेकिन आप यहां पे सुकून से अच्छे से कर सकते हैं, आपको बायर जल्दी मिलेगा। अगर मैं बात करूं टोटल प्रोडक्ट ऑफ कंट्री, तो वी हैव मोर देन 7005 प्रोडक्ट विच वी आर एक्सपोर्टिंग टू दी मोर देन 195 कंट्रीज। यानी वैसे तो प्रोडक्ट हमारे पास में लाख्स में है, लेकिन ये वो मोस्ट ट्रेडेड प्रोडक्ट हैं जो कि फ्रिक्वेंटली ट्रेड होते हैं, फ्रिक्वेंटली बायर के द्वारा डिमांड किया जाता है। मोर देन 7500 प्रोडक्ट्स वी हैव इन इंडिया। अगर मैं बात करूं टॉप प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, तो सबसे पहला आता है पेट्रोलियम एंड कोल। जैसे अगर आप बात करें कोल, हमारे पास वैसे तो जीसी भी कम रहता है, जो ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू रहता है कोल की, लेकिन फिर भी कोल यहां से एक्सपोर्ट भी होता है, कोल इंपोर्ट भी होता है। पेट्रोलियम की बात करें, तो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे स्पेशली इन गुजरात, जैसे हो गया आपका रिलायंस रिफाइनरी हो गया, एसआर रिफाइनरी होगी जो जामनगर में गुजरात में है, मैं वहां पर 3 साल काम भी किया हूं, मैं जॉब करता था वहां एज ए क्वालिटी इंजीनियर। तो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्योंकि वहां पर जट्टी है एक, अगर आप स्पेशल वीडियो भी बनाने के लिए बोलेंगे तो हम ऑयल प्रोसेसिंग के लिए, मतलब ऑयल रिफाइनरी में कैसे ऑयल प्रोसेसिंग होता है, उसके लिए अलग से हम वीडियो भी बना देंगे। तो ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट और कोल प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अराउंड 14% ऑफ द टोटल कंट्री शेयर। यानी जितना भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 14% तो हम अकेला ऑयल और कोल एक्सपोर्ट करते हैं, दैट इज अराउंड 46.5 बिलियन US डॉलर। बॉम्बे की मैं बात कर रहा हूं, 46.5 बिलियन US डॉलर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अगर मैं पीएल्स एंड प्रीसियस स्टोन, यानी जो महाराष्ट्र से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, जो या गुजरात से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, जो कि डायमंड वगैरह होंगे, तो डायमंड हम प्रीसियस मटेरियल, प्रीसियस स्टोन हम यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं अराउंड 7.78% ऑफ द टोटल
कंट्री शेयर दैट इज अराउंड 25.9 बिलियन US डॉलर। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में हम कर रहे हैं गुजरात से। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम महाराष्ट्र से भी कर रहे हैं, गुजरात से भी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी कर रहे हैं, कर्नाटका से भी कर रहे हैं। तो पूरे अगर कंट्री की हम बात करें तो अराउंड 40 बिलियन, बॉम्बे की मैं बात कर रहा हूं, 40 बिलियन US डॉलर का हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं एज वी आर दी कृषि प्रधान देश। तो हम एग्रीकल्चर में आगे बढ़ रहे हैं और आगे जाने की जरूरत है। फ्रेंड्स, अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आप रिलेटेड है या फिर आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो मैं जरूर आपको एडवाइस करूंगा कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में रहिए। और आप ऑर्गेनिक में कर सकते हैं तो जरूर ऑर्गेनिक में करिए, क्योंकि ऑर्गेनिक का डिमांड डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर मैं उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, अगर वो आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की बात करें तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी इंडिया से अच्छी खासी क्वांटिटी में हो रहा है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, क्योंकि वहां पे लेबर कॉस्ट भी कम आती है। तो इसलिए अलग अलग कंट्री के लोग भी यहां आके मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। तो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है 4.36% ऑफ द टोटल कंट्री शेयर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दैट इज अराउंड 14.39 बिलियन US डॉलर। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में इंडिया से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अगर गोल्ड और मेटल की बात करें तो प्रीशियस मेटल जो रहते हैं तो वो 3.92% हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज 12.9 बिलियन US डॉलर का। अगर आयरन एंड स्टील की हम बात करें तो आयरन एंड स्टील यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है अराउंड 2.95% ऑफ टोटल कंट्री शेयर दैट इज 9.74 बिलियन US डॉलर। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में यहां सर आयरन एंड स्टील भी हो रहा है। जैसे अलग अलग कंट्री में आप गुजरात में भी देखें तो हजीरा में स्टील प्लांट है, छत्तीसगढ़ में देखें तो वहां पे जिंदल का स्टील प्लांट है, बुकारो में देखें तो वहां पे स्टील प्लांट है। तो अच्छे अच्छे स्टेट्स में यहां पर स्टील प्लांट्स इंडिया में प्राइवेट कंपनीज के भी हैं, गवर्नमेंट कंपनीज के भी हैं। तो यहां से आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट भी अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिकल की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिकल गुजरात से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। और ये एक खुशी की बात आपको देखने को कि जो वर्ल्ड को पूरे वर्ल्ड को 32% एक्सपोर्ट करता है चाइना, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल। तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है कि चाइना को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, यानी वहां से इंपोर्ट तो करते ही करते हैं, लेकिन जिसका नाम है सबको देने वाला लेकिन वो हमसे लेता भी है, यानी केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को। तो टोटल वर्ल्ड को हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, अराउंड 2.83% ऑफ द टोटल कंट्री शेयर दैट इज अराउंड 9.33 बिलियन US डॉलर। अच्छी खासी क्वांटिटी में हम ऑर्गेनिक केमिकल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं कॉटन एंड एसेसरीज की बात करूं तो कॉटन एंड एसेसरीज हम कर रहे हैं अराउंड 2.63% ऑफ द टोटल कंट्री शेयर। अगर मैं बात करूं उसकी वैल्यू की दैट इज अराउंड 8.69 बिलियन US डॉलर। तो कॉटन में अगर एक महाराष्ट्र का एक हमने वीडियो भी बनाया था, वो आपने एक नहीं देखा था हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं, वहां पर कॉटन ज्यादा एक्सपोर्ट होता है महाराष्ट्र से, गुजरात से और महाराष्ट्र से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो 8.69 बिलियन US डॉलर का हम कॉटन एंड एसेसरीज वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मोटर व्हीकल की बात करूं तो मोटर व्हीकल में भी हम पीछे नहीं है, मोटर व्हीकल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अराउंड 2.58% ऑफ द टोटल कंट्री शेयर दैट इज अराउंड 8.5 बिलियन US डॉलर। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में हम मोटर व्हीकल भी कर रहे हैं। एक मैंने वीडियो में कई बार आप बताया भी था कि मेरे जीजाजी हैं, वो उनकी जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, वो स्टेयरिंग बनाती है, जो गाड़ी का फोर व्हीलर का स्टेयरिंग रहता है सोना स्टेयरिंग, तो वो जापान में ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो ऐसे ही करके मोटर व्हीकल डायरेक्ट भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं पार्ट्स भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ कंट्री जो जो ब्रांडेड कंपनीज हैं वो अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कराती है, क्योंकि उनको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम पड़ता है। तो हम यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं मोटर व्हीकल अराउंड 8.5 बिलियन US डॉलर। अगर इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें, जैसे हमारा BHL है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो इंडिया में 8-10 प्लेसेस में, जैसे BHL हरिद्वार हो गया, BHL रांची हो गया, BHL भोपाल हो गया, जो कि भोपाल में ट्रांसफॉर्मर बनते हैं, हरिद्वार में टर्बाइन बनते हैं, तो ऐसे, और तिरची में बॉयलर बनते हैं। तो इलेक्ट्रिकल मशीनरी जो भी है वो लगभग हम यहां से बहुत अच्छा खासे क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज 2.55% ऑफ द टोटल कंट्री शेयर दैट इज अराउंड 8.42 बिलियन US डॉलर। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ से इलेक्ट्रिकल मशीनरी एक्सपोर्ट हो रही है, ट्रांसफॉर्मर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जनरेटर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स टेस्टिंग मशीन से हो रही हैं, अलग अलग इलेक्ट्रिकल मशीन यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है। स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट की बात करूँ तो स्टील एंड आयरन, वो तो एक जो हमने पहले बताया था वो स्टील एंड आयरन रॉ मटेरियल था, यानी जैसे बीम हो गया, चैनल हो गया, प्लेट्स होगी, वो हो गया। अब हम स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट की बात करें, जो फिनिश
गुड्स रहते हैं, फिनिश गुड्स हम यहाँ से स्टील एंड आयरन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं अराउंड 2.55% दैट ऑफ द कंट्री शेयर, दैट इज अराउंड 8.42 बिलियन US डॉलर। तो ये टॉप प्रोडक्ट है जो कि एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से ज्यादा। अगर हम टॉप कस्टमर की बात करें, टॉप वो कौन से इंपोर्टर हैं जो कि इंडिया से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहले आता है यूएसए, जिसको हम 16.8% ऑफ द टोटल कंट्री शेयर, जितना भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका से लगभग 17% हम यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं। तो यूएसए हमसे इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 52 बिलियन US डॉलर का। अगर यूएई की बात करें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो हमसे इंपोर्ट कर रहा है 30.2 बिलियन US डॉलर का। चाइना हमसे इंपोर्ट कर रहा है 16.5 बिलियन US डॉलर का। हांगकांग हमसे इंपोर्ट कर रहा है 12.3 बिलियन US डॉलर का। सिंगापुर 9.3 बिलियन US डॉलर का। नीदरलैंड कर रहा है 8.81 मिलियन US डॉलर का। यूके कर रहा है 5.19 बिलियन US डॉलर। बॉम्बे की मैं बात कर रहा हूँ 5.19 बिलियन US डॉलर। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू।